बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस हाउस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना आम बात है और इसी तरह का एक झगड़ा हो गया है जसलीन और दीपक के बीच। और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि जसलीन ने दीपक से कह दिया, अगर तमीज से बात करनी हो तो किया करो, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दीपक, सौरभ, रोमिल और सुरभि बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ उस वक्त जसलीन झाड़ू निकाल रही होती है तो उन लोगों की बात सुनने के लिए जसलीन वहाँ पर आती है और अपना पॉइंट रखती है। इस दौरान जसलीन के हाथ में एक झाड़ू होती है जो गलती से जो दीपक ने चादर ओढ़ रखी होती है उसको टच हो जाती है। इस चीज से दीपक इरिटेट हो जाते हैं और उसे कहते हैं झाड़ू हटा। जसलीन को दीपक की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उनसे कहती है, ये क्या है झाड़ू हटा, ये तुम्हारी बोलने की तमीज है, ऐसे बात करते है किसी से? देखो भाई, तमीज से बात करनी है तो करो, वरना कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। मैं तो तुमसे इतनी तमीज से बात करती हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? तो दीपक इसमें कहते हैं, इसमें कौन सी बदतमीजी हो गई, यही तो कहा झाड़ू हटा, झाड़ू लग रहा था इसलिए बोल दिया झाड़ू हटा। मैंने आपसे कभी बदतमीजी से बात की है? मैं हमेशा आपको आप करके बात करता हूँ और आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जसलीन उनसे कहती है, देखो दीपक, मैं तुमसे इतनी बात करती नहीं और अगर बात करती भी हूँ तो तुमसे बहुत ही अच्छे से बात करती हूँ, तमीज से बात करती हूँ। तो सुनो, अभी तुम ओए इस तरह के वर्ड मेरे सामने बिल्कुल यूज मत करना और ना ही मेरे लिए यूज करना। तो इस पर दीपक उन्हें कहते हैं, मैंने कभी ये वर्ड यूज किया, ये तो आप अपनी तरफ से जोड़ रही हैं। तो जसलीन इस पर उन्हें कहती है, तुमने ये यूज नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर तुम यूज ना करो इसलिए कह रही हूँ। फिर दीपक उनसे कहते हैं, यहाँ पर कोई इंसान ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो आप कहेंगी कि कल को ये मर्डर कर देगा। और इसी तरह से इन दोनों के बीच की ये आर्गुमेंट एक झगड़े में बदल जाती है जिसे शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।